हाय फ्रेंड्स, आई एम मोइन मोइन सिद्दीकी। आज मैं आपको थ्री फेज डीबी के बारे में बताने वाला हूँ। आपने अगर मेरी सिंगल फेज डीबी वायरिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। आप अपने स्क्रीन पे जो थ्री फेज डीबी देख रहे हैं, इसमें से सबसे पहले नीचे से फोर पोल लगी हुई है। इसमें थ्री फेज पावर आता है, उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट करके उसके सर्किट के हिसाब से लोड डिवाइड करने के बाद में उसको सिंगल फेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सिंगल फेज डीबी की तरह ही वर्क करती है। चलिए मैं आपको इसमें फोर पोल का रेटिंग दिखा देता हूँ और किस तरह वर्क करता है वो बता देता हूँ। आप ये जो सबसे पहले फोर पोल देख रहे हैं, ये फोर पोल का रेटिंग आप देख सकते हैं। इसमें 30 mA फोर पोल का रेटिंग है, 40 A की फोर पोल है और 415 V और 50 Hz पे वर्क करती है। अब ये ELCB भी है और RCCB भी कहा जाता है, बैनलो कंपनी की है। इसमें नीचे मीटर से पावर आता है इनपुट थ्री फेज में, ऊपर पावर आता है थ्री फेज़ का, उसके बाद इसको सिंगल फेज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये आप देख सकते हैं सिंगल फेज़ की ELCB, इसमें 40 A की 100 mA इसका कटआउट टाइम है और इसमें बाजू में SPs में कनेक्शन किया गया है, जो 20 और 10 की SPs के हिसाब से सिंगल फेज़ DB की लूप की गई है। अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सर्किट के हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया जाता है, हर सर्किट के हिसाब से। ये जो आप देख, इसको बी के हिसाब से पावर दिया गया है और इसके ऊपर वाली को वाई के हिसाब से पावर दिया गया है और इसके ऊपर वाली जो है वो आर सर्किट के हिसाब से पावर दिया गया है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं, ये आर वाई बी बी के हिसाब से इसको पावर दे बना दिया गया है। ये सिंगल फेज के हिसाब से रेडी कर दी गई है पूरी की पूरी डीबी। अब इसके बाद जो आप ये देखते हैं, यहाँ से ये इसका लोड वायर है, यहाँ से पावर आता है आगे और इसके बाद यहाँ पे पावर पहुँचता है, फिर इसके ऊपर लोड वायर के हिसाब से ऊपर से जो पावर किया जाता है वो यहाँ से दिया जाता है SPs में। SPs में शॉर्ट पट्टी लगा के इसको शॉर्ट कर दिया जाता है, जिसमें से ऊपर की स्विच बोर्ड की जो सर्किटें आती है उसको लोड डिवाइड करके उसमें पावर पहुँच जाता है। अगर कोई भी सर्किट में प्रॉब्लम होगा तो SPs में ट्रिपिंग बता देगा और इन सब का न्यूट्रल अलग दिया जाता है। हर सर्किट के हिसाब से न्यूट्रल अलग होता है। ये आप बी की न्यूट्रल लिंक है, इसमें आप देख सकते हैं ये आर की न्यूट्रल लिंक है, ऊपर वाली ये आर की न्यूट्रल लिंक है, आप देख सकते हैं उसमें न्यूट्रल दिया गया है और वाई की भी अलग है वहाँ पे अंदर साइड। और फिर उसके बाद ये आर आर में आप देख सकते हो ये लोड वायर आया नीचे सर्किट का, फिर उसके बाद दे दिया गया SPs में और शॉर्ट पट्टी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ये ऊपर की स्विच बोर्ड की सर्किट है। ये आप पूरी पूरी डीबी देख सकते हैं, इसी तरह की पूरी डीबी रेडी की कर दी जाती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।